सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं यहां पर Realme 7 और Realme 7 Pro दोनों स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों यहां पर Realme 7 और 7 Pro स्मार्टफोन आपको दिखने में कैसे यहां पर लगते हैं सभी कुछ आपको रियल में यहां पर दिखाने वाला हूं। इसकी जो इमेज है वो यहां पर निकल करके आई है। उसके साथ दोस्तों Realme 7 और Realme 7 Pro स्मार्टफोन की डिस्प्ले को लेकर के कुछ जो फीचर्स हैं वो यहां पर निकल के आए, जो कि आज के इस वीडियो में सभी कुछ आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जो देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप यहां पर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं जो वीडियो सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों अगर बात करूं आपसे यहां पर Realme 7 और Realme 7 Pro स्मार्टफोन के कुछ डिटेल वगैरह के बारे में, तो दोस्तों यहां पर Realme इंडिया की तरफ से उनके ऑफिशियल YouTube चैनल पे और यहां पर उनके सोशल मीडिया वगैरह पे Realme 7 सीरीज का एक टीजर पेज फाइनली यहां पर पोस्ट किया गया है, जहां पर उन्होंने क्लियरली ये नहीं बताया कि ये Realme 7 सीरीज का ही टीजर पेज है, लेकिन एक्चुअल में वो Realme 7 सीरीज का ही टीजर पेज है। जहां पर दोस्तों उस वीडियो में Realme 7 जो स्मार्टफोन है उसको डायरेक्टली कुछ सेकंड तक दिखाया गया है। अब ये वीडियो देख करके मैंने डायरेक्टली यहां पर इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, जो कि मैं आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अगर आप यहां पर इस इमेज के में ध्यान से देखते हैं तो दोस्तों इस बार आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो स्मार्टफोन का कैमरा मॉडल है वो पूरे का पूरा आपको यहां पर चेंज देखने के लिए मिल रहा है। कैमरे की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी आपको यहां पर बड़ी हुई देखने के लिए मिल रही है। उसके साथ स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा, पीछे की साइड चार कैमरे देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन इस डिजाइनिंग के कैमरे की डिजाइनिंग के साथ में अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर रियलमी का 7 स्मार्टफोन ही है। उसके साथ दोस्तों माधव सेठ ने कल यहां पर कुछ फोटोज पोस्ट किए हैं अपने स्मार्टफोन के, जहां पर उन्होंने कहा कि गेस करिए कि यहां पर फास्टेस्ट 7 जो स्मार्टफोन आ रहा है वो इसमें से कौन है। वहां पर भी उस इमेज में भी जो काफी सारे स्मार्टफोन की इमेजेस थी उसमें भी ये जो सेम इमेज है स्मार्टफोन की उसको भी यहां पर डाला गया था। यानी इससे ये चीज कंफर्म हो जाती कि ये जो स्मार्टफोन है यहां पर रियलमी का 7 स्मार्टफोन है। पीछे की साइड अगर स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करें तो यहां पर ग्लॉसी टाइप का जो फिनिशिंग है, ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग आपको स्मार्टफोन के बैक के साइड में यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी पीछे की साइड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको जो रियलमी का लोगो है वो भी नीचे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तो बात हुई यहां पर इस स्मार्टफोन के डिजाइनिंग वगैरह के बारे में, बॉडी के बारे में। अब बात कर लेता हूं आपसे यहां पर इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले वगैरह के बारे में आई है कुछ यहां पर कल की डिटेल के बारे में। तो यहां पर दोस्तों लीकर्स का ये कहना है कि जो Realme का 7 Pro स्मार्टफोन होने वाला है इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में Realme 7 Pro स्मार्टफोन में आपको 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में जो डिस्प्ले वो देखने के लिए मिलने वाली है। अभी तक की जो डिटेल लीक्स यहां पर निकल करके आई है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि Realme 7 Pro स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले के साथ में 60Hz का डिस्प्ले, उसके साथ जो Realme का 7 स्मार्टफोन होने वाला है उसमें एक IPS LCD डिस्प्ले जिस तरीके से Realme 6 सीरीज में आपको देखने के लिए मिला था, सेम उसी टाइप का डिस्प्ले। और यहां पर आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में जो डिस्प्ले है Realme के 7 स्मार्टफोन में वो यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अब ऑब्वियस बात है अगर यहां पर AMOLED डिस्प्ले है तो AMOLED डिस्प्ले के साथ में अगर 90Hz की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट जो स्मार्टफोन की कॉस्ट है, जो स्मार्टफोन का प्राइस है, वो काफी तक यहां पर ज्यादा निकल जाएगा, तक बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट को कम करने के लिए हो सकता है जो कंपनी है वो यहां पर 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले है वो यहां पर प्रोवाइड करे। तो दोस्तों ये थे कुछ डिटेल जो कि यहां पर Realme 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में निकल कर क्या है। वैसे दोस्तों आपको Realme 7 सीरीज के स्मार्टफोन की जो पीछे की साइड कैमरे की डिजाइनिंग वगैरह है वो कैसी लगी, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहां पर कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों यहां पर पूरा ऐसा चांस बना हुआ है कि 3 सितंबर को जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब देखते हैं जैसे यहां पर स्मार्टफोन वगैरह के बारे में कुछ भी और डिटेल आती है, कुछ भी और अपडेट आती है, जरूर से आपको यहां पर इन्फॉर्म करता रहूंगा। फाइन दोस्तों ये था कुछ वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आ गई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक में शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।